अभी जो कर्नाटक में हो रहा है वो ज्ञान का मसला नहीं है, ज्ञान मंदिर में धर्म का मसला मसला घुस गया। तो अगर आप हिजाब पहन के जाते हैं तो टीचर को कैसे मालूम होगा आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? या आप एक स्टूडेंट हिजाब पहन के बैठेगा क्लास में, दूसरा स्टूडेंट दूसरा ड्रेस में बैठेगा, तो ये क्या मामला हो रहा है? 3 साल पहले तो वो कॉलेज में कोई भी नहीं बोला था कि हिजाब पहनना है, अभी तुरंत वो मामला आ गया। तो ये सारा इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हिजाब का मामला में कोर्ट में केस होता है और सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट दोनों में कांग्रेस का एडवोकेट ही खड़ा होता है हिजाब का फेवर में। तो ये देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। अभी अगर मुसलमान समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है, शिक्षा का जरूरत है, उनको हिजाब का जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान बेटियों को सबसे ज्यादा जरूरत है, डॉक्टर बनने का जरूरत है, इंजीनियर बनने का जरूरत है, उनके लिए हिजाब जरूरत नहीं है अभी। लेकिन इतना नीचे तक लेके गया है। मैं तो दो इस्लाम मानता हूं, एक रिलीजियस इस्लाम और एक पॉलिटिकल इस्लाम, जो कांग्रेस इसको जो सपोर्ट कर रहे। जो रिलीजियस इस्लाम है तो कुरान का हिसाब से जाएगा, जहां ज्ञान ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन वो जो रिलीजियस इस्लाम है वो तो कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड इस्लाम है। आप मांग करते हैं पूरे देश में हिजाब पर पाबंदी लगनी चाहिए? ठीक है, पाबंदी नहीं, कोई हिजाब नहीं पहनता है, पाबंदी क्यों लगाना सही है? लोग तो वहां देखिए शिक्षा संस्थानों में हमारा जो बच्ची जाता है वो तो मैथ्स पढ़ने जाते हैं, विज्ञान पढ़ने जाते हैं, हिजाब तो इशू ही नहीं है। तो इशू कांग्रेस ने बनाया इसको,